हेलो दोस्त, आज बात करेंगे इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। इरिथ्रोपोइसिस को हम यदि एक सरल भाषा में देखें तो उसको हम बोल रहे हैं कि आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। अब हम आते हैं इसके डिफिनेशन में। तो डिफिनेशन पहला होता है ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट सेल कॉल्ड बाय इरिथ्रोपोइसिस। मतलब इसके ओरिजिन हो, डेवलपमेंट हो और साथ में डेवलपमेंट के बाद वो मैच्योर हो जाए इरिथ्रोसाइट सेल, मतलब आरबीसी, उसको हम इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। अब आते हैं इसके, हम बात कर लेते हैं साइट की। तो इसकी साइट कहाँ से ओरिजिन होता है, तो ये दो इसके जो अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग साइट रहती है। जैसे कि फीटल में, तो फीटल में भी फीटल और एडल्ट में दोनों में अलग अलग साइट रहती है। बट ये फीटल में आते हैं तो इसके तीन स्टेज होते हैं। पहले 2 मंथ जो होता है मीसोब्लास्टिक स्टेज में रहता है, जिसे मीसोकाइमल सेल से में फार्मेशन होता है फर्स्ट 2 मंथ। अब फिर आ जाते हैं हिपैटिक स्टेज में, इसमें से 3 मंथ होता है ओरिजिन होता है ब्लड का, और ये जो है तो लिम्फाइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लेन हो गया, थाइमस हो गया, यहाँ इसका फार्मेशन होता है। अब जो जो लास्ट होती है उसमें से 3 मंथ इसमें भी होता है, मंथ 7, 8, 9। तो इसमें से हाईलाइट स्टेज इसको बोलते हैं, ये बोन मैरो और साथ में लीवर में ब्लड का फार्मेशन होता है। अब ये हम बात कर लेते हैं एडल्ट में कैसे होता है। तो एडल्ट में जो फार्मेशन होता है तो 1 ईयर टू 20 ईयर जो होता है लॉन्ग बोन में होता है, जैसे फीमर के बोन मैरो हो गया, ह्यूमरस की बोन मैरो हो गया, यहाँ फार्मेशन होता है। और अप टू 20 ईयर एज में जो होते मेम्ब्रेनस बोन में होता है, जैसे स्टर्नम हो गया, क्रेनियम की बोन हो गई, वहाँ हो गया, वेंट्रिबा हो गया, यहाँ जाके इसका आरबीसी का फार्मेशन होता है। अब साइट आप इरिथ्रोसाइट साइट आप इरिथ्रोसाइट के पहले मैं आउटलाइन से थोड़ा सा बात करते हैं। जब आरबीसी की डी बनने की प्रोसेस कब स्टार्ट होती है, जैसे कि कोई वर्कर है उसने हैवी वर्क किया तो उसके जो मसल्स एक्टिव हैं उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी या उसके बॉडी पार्ट को ज़रूरत पड़ी, तो वो बॉडी पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हार्ट जो है तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, साथ में आरिया सिस्टम भी एक्टिव हो जाएगा, मोर एक्टिव हो जाएगा, जिसमें रिस्पिरेशन और हार्ट रेट दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। यदि इंक्रीज होने के बाद भी उस पार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं दे पाते तो वो तब हाइपोक्सिया डेवलप होगा। हाइपोक्सिया डेवलप हुआ तो तुरंत स्टिमुलेशन जाएगा किडनी को, किडनी के जस्टा ग्लोमेरुलस ऑपरेटर और सेमिनिफेरस ट्यूबोल्स को जाएगा। वहाँ जाके ये दोनों बताएंगे कि भैया हाइपोक्सिया डेवलप हो रही है, आरबीसी बनाने की ज़रूरत है। तो इरिथ्रोपाइटिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा, इरिथ्रोपाइटिन हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ तो पहुंच गया बोन मैरो में, बोन मैरो में जाके प्यूरी पोटेंसी होमोपोएटिक स्टीम सेल को स्टिमुलेट करा, उसमें स्टिमुलेट किया, तब जाके वो कॉलोनी फार्मिक ब्लास्टोसाइट सेल बनाई और उसमें से कॉलोनी फार्मिक ब्लास्टोसाइट ई बना, तो जाके इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस स्टार्ट हुई। तो हम आ जाते हैं स्टेट ऑफ इरिथ्रोपोइसिस के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टेज ऑफ इरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि किस प्रोसेस से गुजर करके आरबीसी बन रही है। तो जैसे कि लॉन्ग बोन हो गई, लॉन्ग बोन में इरिथ्रोपाइटिन हार्मोन्स जो है वो गया स्टिमुलेट किया कि आरबीसी को बनाने की ज़रूरत है। तो प्यूरी पोटेंसी होम्योपोएटिक स्टेम सेल बोन मैरो में रहती है, उसको स्टेम सेल बोलती हैं, वो जो है तो डिवाइड होगी तुरंत, कॉलोनी फार्मिक ब्लास्टोसाइट बनाएगी, मतलब बहुत सारी कॉलोनी बनाएगी, उसमें से सभी ब्लड की सेलें रहेंगी। बट हम को बात कर रहे हैं इरिथ्रोपाइसिस की, तो इरिथ्रोपाइसिस में कॉलोनी फार्मिक ब्लास्टोसाइट ई मतलब इरिथ्रोसाइट वाली सेल रहे का फार्मेशन होगा, उसमें से जो है तो प्रे इरिथ्रोसाइट की आएगी, फिर नार्मो ब्लास्ट यली यली नार्मो ब्लास्ट बनेगा, फिर इंटरमीडिएट नार्मो ब्लास्ट बनेगा, फिर लेट नार्मो ब्लास्ट बनेगा, फिर जो कोई रेटिलोकुलोसाइट बनेगा, फिर रेटिलोकुलो के बाद मैच्योर आरबीसी बनेगा। इन सभी प्रोसेस से गुजरने के लिए इसको मिनिमम 7 दिन लग जाते हैं, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट ए सेल ई बन गई, ई के बाद
इरिथ्रोसाइट सेल बनने में बस 24 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की जो सेल है वो 24 घंटे में ही डिवाइड होती हैं। तो प्री इरिथ्रोसाइट बनने में 24 घंटे लग गए, फिर ईयरली नर्मोब्लास्ट बनने में एक दिन लग गया, फिर इंटरमीडिएट नर्मोब्लास्ट बनने में एक दिन लग गया, मतलब 3 दिन हो गए। अब आगे लेट नर्मोसाइट बनने में एक दिन लग गया, 4 दिन हो गया। फिर रेटिनोक्लोसाइट बनने में एक दिन लग गया, मतलब 5 दिन हो गया। अब फिर 5 दिन में के बाद 2 दिन जो है तो मैच्योर आरबीसी बनने या डेवलपमेंट होने में लग जाता है। तो टोटल प्रोसेस 7 दिन की हो गई है। अब जैसे ये कॉलोनी फार्मिंग ब्लास्टोसाइट ई है, उसका जो रेडियस होता है, सेल होती है, वो साइज में काफ़ी बड़ी होती है, 20 μ की होती है। और प्री इरिथ्रोसाइट जो होता है 15 μ की होती है। और जो नार्मोसाइट होती है ईयरली, लेट या इंटरमीडिएट, ये तीनों का रेडियस सेम रहता है, 10 μ की होती है। जबकि हम रेटिनोक्लोसाइट की बात करते हैं तो 7.5 μ हो जाता है। वही मैच्योर आरबीसी की बात करें तो 7.2 हो जाता है, जिसकी सेल मतलब आरबीसी का मिनिमम साइज में आ जाता है। अब जैसे इनका डेवलप स्टार्ट होता है पर डे, ये जैसे प्रतिदिन ही आगे बढ़ती है प्रोसेस, तो फर्स्ट डे में जो न्यूक्लियस रहता है वो धीरे धीरे अपेयर होने लगता है, और उसके जो सेल के ऑर्गेनिज्म हैं वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। यली नर्मोब्लास्ट में जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपीयर होना शुरू ही हो जाता है, और इंटरमीडिएट में आधा चला अपेयर हो जाता है, लेट में पूरी तरह डिसअपीयर हो जाता है, और रेटिनोक्युलर में बस बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर हीमोग्लोबिन जो है वो आने लगता है, हीमोग्लोबिन सेंटर में आने लगता है। और अब आ जाते हैं मैच्योर आरबीसी की बात कर लेते हैं। मैच्योर आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है 120 डेज होती है। 120 डेज के जैसे वो पहुंचने लगती है तो उसकी जो सेल वाल होती है उसको वो जो है फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वो आरबीसी फिर से स्प्लेन के जो वेन्यूल्स रहते हैं या माइन्यूट कैपिलरीज रहती है वहाँ जाके फंस के टूट जाती है। फिर जैसे टूटती तो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 3 पार्ट में तो पहला क्या हुआ हेमेट और प्रोटीन भाग हीमोग्लोबिन और प्रोफायरिन, प्रोफायरिन बिलोबुलिन बन के चला गया, और ये जो फेरस है तो फेरिंग में कन्वर्ट होके अब्जॉर्प्शन होके स्टोर हो गया, साथ में जो ग्लोबिन है वो भी प्रोटीन को यूज में ला ली। तो अब ब्लड बनता कैसे है तो ब्लड के हम देख लेते हैं। ब्लड जो बनता है तो इरिथ्रोपाइटिन गया बोन मैरो में तो उसको स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट के साथ उसको चाहिए विटामिन B12, फोलिक एसिड और ग्रोथ हार्मोन्स के साथ थायराइड हार्मोन, ये सभी जब मिल जाते हैं, साथ में प्रोटीन हो गया और आयरन हो गया, तब जाके आरबीसी का फार्मेशन होता है। ये सब प्रोसेस को ऑल ओवर कैलकुलेट करके इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। थैंक यू।